उसकी रॉकेट की बारी मतलब बोलो को ट्राई से बोलो और ये रिला हमारा ना बुझ गया अभी भाई मतलब ऐसे आ देना है। गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मेरा व्लॉग्स एंड आज का व्लॉग मेरा फाइनली स्टार्ट हो चुका है और आज का व्लॉग भी यहाँ पे मैंने बाहर पे स्टार्ट किया है बिल्कुल मस्त धूप आ चुकी है और मम्मी यहाँ पे जो है अभी चूड़ हो रही है सो देख सकते हो जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था चूड़ उड़ करते हैं तो देख सकते हो मम्मी वहाँ पे पहले लिख रही थी जहाँ पे कुर्ते हैं यार है सो इसके बाद इसे कूटा जाएगा फिर से आग आग में सुखाया जाएगा फिर उसके बाद इसे कूटेंगे वो सब भी हम आपको दिखाने वाले हैं। शादी से धोया जा रहा है और वहाँ पे कूटा भी जा रहा है देख सकते हो पार के अम्मा लोग भी आ चुके हैं और कई लोग तो पहले सुबह आ चुके थे अभी 8:15 हो रहे हैं सो समझ सकते हो बहुत जल्दी आए थे सो इसके बाद और दिखाएंगे आपको। सो अभी फ़ोन को थोड़ा बहुत चार्ज वार्ज भी लगा लेते हैं क्योंकि इसमें चार्ज भी कम है ना जल्दी से आते हैं इसे ऊपर जाकर चार्ज लगाते हैं और उसके बाद आपको यहाँ का पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं। गाइस अब जो यहाँ पे मैं खो गया यहाँ पे आ चुका हूँ और मैंने 8:15 ब्लॉग स्टार्ट किया था और अभी 9:15 होने वाला है सो अभी मैंने अपना ब्लॉग कंटिन्यू किया है। मैं यहाँ पे मुँह धो लिया है आज मैंने मुँह धोया हुआ है सो देख सकते हो अभी यहाँ पे चूड़ कुटने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे भीगे हुए धान होते हैं ना उनके यहाँ पे ऐसे करके चूल्हे पे ऐसे के सुखाए जाते हैं यहाँ पे देख सकते हो फिर रुखो में डालेंगे फिर मूसल से कूटेंगे इसको तो दिखाते हैं आपको यहाँ पे सब चीज़ जो भी होने वाला है ऐसे देख सकते हो अभी इसे निकाल के रुखो में डालेंगे और अभी इसे कूट गोलू कूट रहा है इसे गोलू कैसा लग रहा है अभी बढ़िया लग रहा है गोलू को गाइस देख सकते हो अभी तेल वो कम्प्लीट हो चुका है और सबको भी खिलाए जा रहे हैं देख सकते हो लास्ट का जो होता है ना यहाँ पे देखो ये रहा चिवड़ ऐसे हो जाते हैं लास्ट में जब सब इसे खाते हैं हम चिवड़ इंजॉय करते हैं आप हमारे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। सो गाइस अब जो है फाइनली हमारे चिवड़ कुटने की बारी आ चुकी है और ये रहे हमारे वाले सभी देख सकते हो इन्हें भी यहाँ पे तेल में खिलाया जा रहा है फिर उसके बाद हो जाएंगे फिर कूटा जाएगा यहाँ पे सभी देख सकते हो अभी तो तेल कुटा रहे लास्ट है इनका और ये रहा हमारा यहाँ पे इस तरह में और उस वाले टप में इसको कूटा जा रहा है। सो गाइस अब जो है यहाँ पे चूटा जा रहे हैं और ये देखो ये धान है हमारा और इससे जो है यहाँ पे इसे कूटा जा रहा है ऐसे करके फिर इसका वो बनाया जा रहा है तो देख सकते हो। और मैं भी जाने वाला हूँ नाश्ता करने के लिए सो पहले आते हैं नाश्ता वास्ता कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे सो अभी जल्दी से आता हूँ और नाश्ता कर लेते हैं। हमारे होने वाले हैं खत्म चूड़ कूटे हैं सो यहाँ पे देखो अभी पापा भी कूट रहे हैं सो यहाँ पे देख सकते हो इतने चूड़ हमारे थे वहाँ पे वो पूरा टब भर के था वो भी खत्म होने वाले और इसमें भी था वो तो खत्म हो चुका है सो यहाँ पे देख सकते हो अम्मा अभी धक्का करने अम्मा कैसा लग रहा अभी है कोई बुआ बुआ और नहीं आ रहे नहीं आया बुआ और नहीं आ रहे कल को आ रहे अम्मा को और कैसा लग रहा बढ़िया लग रहा बढ़िया लग रहा अम्मा को बुआ आने वाले है ना तो यहाँ पे देख सकते हो अम्मा भी यहाँ पे धान के भुट्टे में लगी है गर्म कर रही है और यहाँ पे देख सकते हो अभी से ऐसे करके चूड़ कूट जाता है इतना इतना चूड़ यहाँ पे रखा है हमने अपना। A few moments later. तो गाइस अब जो है मैं यहाँ आया हुआ हूँ मंदिर वाले रूम में अपना तो आगे से रहा अपना मंदिर देखो कितना मस्त दिखाई दे रहा है और अभी यहाँ पे जो ये दिए थे उनके लिए बत्ती बन रही थी बन चुकी है यहाँ पे इतने दिए हैं इस थाली में वहाँ पे एक दिया है
एक दिया यहाँ पे है, एक उसके ऊपर है और इतने दिए हैं तो इतने दियों के लिए, और एक वहाँ पे भी है सो देख सकते हो, इतने दिए हैं तो इतने दियों के लिए अभी बत्ती बनाई गई हुई थी, फिर उसको आदमी में इन्हें जलाया जाएगा, फिर इसका पूजा वूजा होगी। सो आज मेरा बड़ा भाई करने वाला है यहाँ पे पूजा, सो देख सकते हो कितना मस्त दिखाई दे रहा है अपना मंदिर यहाँ पे, सब यहाँ पे पूजा वूजा होगी, उसकी भी दिखाएंगे आपको क्लिप। देख सकते हो अभी बाहर पे भी यहाँ पे दिए जल चुके हैं, यहाँ पर को दिए जला दिए गए हैं, और यहाँ को भी आधे दिए बुझ जाते हैं ना तो प्रॉब्लम ये होती है। ऐसे यहाँ पे देखो, अभी वहाँ अंदर में पूजा के वीडियो बना रहा था तो फिर तेल की हुई थी तो इसे तेल आया, ये जलो ये जलो, और बीच के इतने बुझे हैं तो इन्हें अभी फर्स्ट से जलाना पड़ेगा। तो गाइस अब जो यहाँ पे प्रसाद के लिए केले ले कट रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारी पूजा वूजा हो चुकी थी जिसका मैंने आपको पूरा दिखा दिया था, और यहाँ पे देखो ये थाली कितनी मस्त दिखाई दे रही है ऊपर से बिल्कुल। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बुबू भी अभी यहाँ पे आ चुके हैं मंदिर वाले रूम में। सो बुबू क्या कहना चाहोगे दीपावली में? दीपावली खुशी की बात है, यहाँ गोवर्धन पूजा भी थी, दीपावली थी, खुशी का उमंग होता है, खुशी से मनाते हैं, जो जीती जिंदगी जो अगले नक्श में बसे रहेगा वो और दिवाली देखेगा, खुशियाँ मनाएगा, यही होता है। हाँ, और सबको ये हमारी तरफ से आशीर्वाद है। सो गाइस अब जो है यहाँ पे दादाजी टीका का भी लगा रहे हैं, सो यहाँ पे देख सकते हो, और प्रसादी भी अपने यहाँ पे रेडी हो चुके हैं कट वट के, देख सकते हैं यहाँ पे मिठाई और वो रखा हुआ है केला हमने, और यहाँ पे मंदिर तो इतना मस्त दिखाई दे रहा है ना, देखो मैं तो बिल्कुल मजा आ गया इसको, और पहले जो है कम स्पेस में क्योंकि यहाँ पे वो रखे हुए थे ना दो बक्से, तो वो हटा के हमने यहाँ शिफ्ट कर रखे हैं अभी, देख सकते हो पूरा इतना बड़ा एरिया मंदिर के लिए बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। सो गाइस हम यहाँ पे जो है मेरे को प्रसाद दिया जा रहा है, शेर है हमारा प्रसाद, तो ये देख सकते हो, और पापा को भी प्रसाद दिया जा रहा है, पहले सबको टीका एका लगेगा फिर इसके बाद प्रसाद प्रसाद दिया जाएगा, सब हम अपने यहाँ पे प्रसाद इंजॉय करते हैं, आप हमारे ब्लॉग इंजॉय कीजिए। तो गाइस अब जो है जितने भी दिए यहाँ पे जलने पा रहे हैं ना उनको हम ले जा रहे हैं वहाँ नीचे सीढ़ी पे रख देते हैं, वहाँ पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तेज हो चल रही तो ये जल ही नहीं पा रहे, तो इनको पकड़ते हैं नीचे जाके सीढ़ियों पे यहाँ पे लगा देते हैं। सो गाइस अब जो है यहाँ पे हम आ चुके हैं टेरेस पे क्योंकि अभी हम जलाने वाले हैं यहाँ पे अनार अनार, ये रहा यहाँ पे हमारा अनार, डेली हम अनार से स्टार्ट करते हैं अपने पटाखा फोड़ना, सब जला रहा है सुमिति से, तो देख सकते हैं यहाँ पे, और पटाखे तो यहाँ पे रखे हुए हमने जितने भी है आज के, और ये रहा हमारा अनार, अरे बुझ गया अभी, गैस फिर से लाना पड़ेगा हमें इसे। सो गाइस अब जो यहाँ पे नन्नी राना, सो देखो इसकी बत्ती ये रही, तो अभी हम इसे खोल रहे हैं और ये रही इसकी बत्ती, सो भाई जल जाए इतना प्रे करो एक बार बस, जल जा ये जल जा। सो गाइस जल चुका है, फिर उठ चुका है, ओके गाइस फाइनली अपना अनार जल भी चुका है, और इसके लिए हमें थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ी अनार को चलाने के लिए, और ये रहा यहाँ पे हमारे रॉकेट, मतलब ना और ये रॉकेट ना हमें पिछले साल के भिड़ा दिए अंकल ने, मतलब जल ही नहीं रहे हैं, उड़ ही नहीं रहे, वैसे ही जलाओ बोतल में फिर करे, बट मजा आ रहा है देखने में। सो ये रहे इतने कल के लिए हमारे पास पटाखे, एंड आई होप कल को कानो और भी आ जाए, तो काना ब्रो आपकी बहुत याद आ रही है हमें, आ जाओ जल्दी से अगर आ सकते हो तो यहाँ, तो बुआ लोग कह रहे ना आएंगे तो काने की भी बहुत याद आ रही है मुझे, तेरे को नहीं आ रही? बहुत आ रही है हाँ, और काने के साथ ना मुझे भी बहुत आते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो भाई तेले दिल से लव यू, आ जाओ भाई जल्दी से यहाँ बहुत मस्ती करेंगे, अभी चल रहे हैं यहाँ पे हमारा घनचक्कर, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं घनचक्कर, और तो क्या कहते हैं इसे चक्री, हमारे यहाँ को घनचक्कर कहते हैं इसे, मतलब कितना फनी नेम है ना घनचक्कर, और देखो लाइटर से जला, इतना जल्ला है तो भाई देख सकते हो बहुत जल्ला है इसके, अभी जो होते हैं चिंगारी में। तो भाई जब देख सकते हो हमारे यहाँ
पहला आ रहा कुछ ज्यादा ही से वो फेंक रहा था, स्टार्ट नहीं आ रही, बहुत फेंक रहा पैर में ऐसे देख सकते हो, ऐसे पैरों में आ रहे हैं पर इनसे भाई। ओ भाई ओ भाई, तो गाइस जब जो आज की हमारी फुसकी रॉकेट की बारी, मतलब फर्स्ट दिन जब मैंने जलाने की सोची ना, मैंने सोचा था बहुत आज इनके ऊपर को जाएगा, देखेंगे कैसा लगेगा। बड़े इतने फुसकी निकले थे ना, क्या ही बताऊं आपको। लास्ट में जलाया और एक तो चूहे के जैसे भागने लग गया था, उसकी वीडियो है हमारे पास, इसी वीडियो में इसी व्लॉग में डालेंगे उसकी वीडियो भी हम। तो अभी से जलाते हैं, देखते हैं ये क्या गुल जलाते हैं। अबे हाय, अबे ये क्या था, खत्म हो रहे तो।